चारों तरफ घूम लीजिए, ये शीशा नहीं टूटा, ये तो दिल टूटा है। शीशा तो बन जाएगा लेकिन दिल टूटा है। घर के अंदर पैक, हम भी एक गुमटी करते हैं, गुमटी है हमारा बेचने का सामान ये सब, लेकिन हम लोग बेच नहीं पाए। बहुत टफ रहा, तीन दिन घर में बैठे रहे, ऐसा कभी नहीं देखे हैं सर। करे कि ऐसा दिन फिर आए नहीं, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। बहुत टफ रहा, तीन दिन घर में बैठे रहे, शुक्रवार से लेकर के आज निकले हैं सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, वो भी सब्जी बहुत दूर से लाना पड़ा, कुछ कुछ लोग खोले हैं तो लिए हैं सब्जी। स्थिति अब लगभग स्थिति लग रहा है सामान्य दिख रहा है, अब कल रात से शांति नजर आ रहा है। क्या कितना डर लग रहा था? डर तो सर बहुत लग रहा था, इधर क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बहुत माहौल तो बहुत था सर, एकदम तनावपूर्ण था, लेकिन अब थोड़ा शांति लग रहा है। चार दिन बाद निकाले हैं सर। कैसे कटा ये चार दिन? चार दिन कटा क्या, सब बैठे हुए हैं, सब गरीब आदमी का तो बहुत समस्या हो गया सर इसे होने से। आज शहर में शांति है, लोग निकल रहे हैं? आज कुछ निकल रहे हैं सर। यात्री मिल रहे हैं आपको? यात्री बहुत कम मिल रहे हैं सर, बहुत कम मिल रहे हैं। ऐसा कभी देखा है जिंदगी में? ऐसा कभी नहीं देखे हैं सर। गरीब आदमी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ है गरीब आदमी के लिए, रोज खाने कमाने वाला आदमी क्या करेगा। स्थिति सुधरी है अब तो, आप न समझिएगा हमको क्या नजर में निकली है। हाँ। से तो नहीं निकल पाती नहीं, नहीं, आज नहीं। निकलना पड़ा। हाँ, तो आज तो ठीक लगा, आज शहर ठीक लग ठीक रहा है। हाँ। शांति लग रही। हाँ, है शांति लग रही है। ऐसे ही रहना चाहिए या फिर नहीं? ऐसे ही शांति रहना चाहिए। तीन दिन कैसे कटा घर में? तीन दिन कटा, ऊपर वाला मालिक जानते हैं कैसे कट रहा है। जब घर के सामान तो नहीं रहते होंगे तो कैसे खाना बनेगा फिर? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे, जबकि पैसा नहीं है, घर में अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या चीज खाएंगे बताइए। अब पांच गो बाल बच्चा है तो भूखे मरेगा ना। भगवान ना करे कि ऐसा दिन फिर आए। नहीं, ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। चारों तरफ घूम लीजिए, ये शीशा नहीं टूटा, ये तो दिल टूटा है। शीशा तो बन जाएगा लेकिन दिल टूटा है। कितने सालों से आप इस क्षेत्र में लगे हैं? 32 साल से ये होटल खड़ा है, 32 साल हो गए। इर्द गिर्द तो आपके दूसरे समुदाय के लोग हैं? बिल्कुल, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। मैं घर चला जाता था, आस पड़ोस के लोग आके कहते थे कि आप जाइए ना, हम लोग हैं ना। अब क्या लगता है? अब तो जो दिख रहा है। कितना डर लग रहा है अभी? तो देखिए एक बात जरूर है कि जब तक मोहल्ले के लोग नहीं चाहेंगे तो बाहर के उपद्रवी कुछ नहीं कर सकते। कितने दिन बाद घर से निकले? हम तो तीन दिन बाद निकले हैं भाई। क्या करने निकले? शुक्रगंज सामान देखिए, सामान लेने के लिए। तीन दिन कैसे कटा? बहुत मुश्किल से कटा भाई, सामान नहीं। जिंदगी में इस तरह का कभी नहीं? हम तो नहीं, दंगा तो कितनी बार हुआ लेकिन इस तरह का नहीं था भाई। एकदम घर के अंदर पैक, हम भी एक गुमटी करते हैं, गुमटी है हमारा बेचने का सामान ये सब, लेकिन हम लोग बेच नहीं पाए, दुकान ही नहीं खुल पाया। आज लगता है कि दुकान खुलेगी। देखिए अब इसकी, अब ऊपर वाले की मर्जी, अगर छूट मिलेगा तो खुलेगा, नहीं तो छूट मिलेगी। स्थिति कितनी सामान्य हुई है दो तीन दिन के बाद आज? हाँ, आज तो बहुत सहूलियत मिली कि हमको बाजार निकलने का मौका मिला, नहीं तो तीन दिन से तो मौका भी नहीं मिल रहा था, कहीं निकलने नहीं जा रहा घर से बाहर भी। आज कुछ सुकून मिल रहा है? हाँ, कुछ तो सुकून है भाई, बहुत राहत है, बहुत राहत है। बाजार में आप लोग आ रहे हैं? नहीं, आज लाए हैं भोरे। अच्छा अच्छा कोली पर ही लगाते थे। क्या कैसे कटा दो दिन, कैसे चली घर, कैसे आधा किलो घर चलते घर का जी किराया लगा लो। आज सुकून महसूस हो रहा है? नहीं, आज भी सुकून नहीं है। दुकान तो खोले अब तो भाग दौड़ ज्यादा हो रहा है। क्यों? प्रशासन तंग कर, पुलिस तंग कर रहा है, दुकान नहीं खोलने दे रहा है। नहीं तो खोलने दे, खुल रही है, फिर तो हल्ला होबे करेगा ना। फिर 10 बजे के बाद फिर पुलिस मारा पीट करेगा, 10 बजे के बाद हटाएंगे दुकान 10-11 बजे। खरीदार तो खूब आ रहे हैं आपके पास? अभी आ रहा है ना, पुलिस तंग करेगा तब फिर जाएंगे ना घर ही ना।